जीटी में भी सर हरियाणा सर वी आर लाइव सर वी आर लाइव सर गुड आफ्टरनून व्यूअर्स आई एम गगन नागपाल फ्रॉम श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट व्यूअर्स आज के इस पेंडेमिक टाइम पर हमने आपके लिए डॉक्टर राकेश चुग को इनवाइट किया है अपने इस खास प्रोग्राम के लिए आप सब की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर राकेश चुग हमारे यहाँ पर श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में चीफ ऑफ बाईपास सर्जरी डिपार्टमेंट हैं एंड ही इज वेरी रिनॉन एंड वेरी सीनियर कार्डियोथोरेसिक सर्जन इन द टाउन व्यूअर्स डॉक्टर राकेश चुग इज हैविंग मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कार्डियक सर्जरी एंड परफॉर्म मोर देन 4,000 कार्डियक सर्जरीज इन हिज टेन्योर ही इज वेल नोन फॉर द कॉम्प्लेक्स कार्डियक सर्जरीज एंड परफॉर्म मेनी valve replacement surgeries and today he is with us and we are going to know from him that how you can take care of your heart in this pandemic time. I know this is a very tough time not only for you for us as a hospital and today Dr. Rakesh Chugh has also taken the time from his very busy schedule. Sir, welcome to our this show sir and we are really thankful that today you are with us for our society for our many cardiac patients sir good afternoon to all and sir today we are first want to know sir apart from your health that how you are doing but sir we want to also know that how we have to take care of our heart in this pandemic time because corona is affecting everyone and no one is spared from corona yes so, sir no one is spared I think, sir, the mask is the only thing which can spare you. Absolutely. You have to keep social distancing, wear your mask always whenever going out of the house and keep yourself safe. Keep on washing your hands and take the vaccination. There is no doubt vaccine will prevent you from severe disease. There will be a mild infection, maybe fever for 1 or 2 days, but do take your vaccination according to the protocol bilkul sir hamare kai sir viewers hindi bhasha se bhi taluk rakhte hain to unke liye hum aapka message hindi mein bhi lenge abhi thodi der mein lekin sir pehle hame aap ye bataye ki sir corona ke time pe sir heart patient kaise bache sir unko agar koi bhi dikkat hai to kaise bache sir jo routine precautions normal patients ya normal koi bhi person leta hai सेम प्रिकॉशंस हार्ट पेशेंट्स को भी लेने हैं अपनी दवाई टाइम से लेनी है मास्क जरूर लगाएं जब भी घर से बाहर निकले बाहर से वापस आए तो सोप से जरूर हाथ धोए मुंह धोए हो सके तो नहाए जरूर एंड अपना अगर हो सके तो बीटाडीन माउथ वॉश या क्लोरहेक्सडीन गागल जरूर करें तो उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं और कोई भी माइनर से भी सिम्टम्स हो आज के टाइम में खांसी हो जुकाम हो हल्का सा एक दिन का फीवर भी आए तो अपने आप को ज़रूर आइसोलेट करें क्योंकि अगर आरटीपीसीआर हो रहा है नहीं हो रहा टेस्ट करा पा रहे हैं नहीं करा पा रहे लेकिन मान के चलिए कि वो कोविड ही है क्योंकि आप दूसरे आदमी को ना स्प्रेड करें और अपने आप को आइसोलेट कर लें इसके लिए तो सर हार्ट पेशेंट्स को भी वही नियम अपनाने हैं जो कि एक आम कोविड पेशेंट लेता है हाँ आप में अपने आप को ध्यान जरूर रखना है लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि नियम वही है मास्क पहनना है डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने आप को आइसोलेट करने में हिचके नहीं बिल्कुल ये नहीं बोले कि मुझे कुछ नहीं हुआ होगा तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी मुझे अभी ये चीजें नहीं हो सकती है नहीं ऐसा नहीं करना हल्का सा बुखार भी आया उसे लाइटली मत लीजिए बिल्कुल बिल्कुल सर सर हमसे सर दिल्ली से ही मिस्टर निशांत हैं वो पूछ रहे हैं कि उनकी उम्र 46 साल है और उनकी बाईपास सर्जरी 1 महीना पहले हुई थी तो मैं अपने हार्ट स्पेशलिस्ट को कैसे दिखाऊं क्या अभी दिखाना जाना ही मेरे लिए जरूरी है या मैं थोड़ा इंतजार कर सकता हूँ नहीं इस कोरोना महामारी के टाइम में आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है जितना पॉसिबल हो कम से कम घर से निकलिए और जो दवाइयाँ उन्होंने प्रेस्क्राइब करी हैं सेम ही कंटिन्यू रहेंगी
और मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सके अपने कंसर्न डॉक्टर से तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा इस टाइम में, क्योंकि आप एक्सपोजर कम से कम करेंगे अपने आप। बिल्कुल, तो निशान जी डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आज के डेट में डॉक्टर्स भी जो हैं इस चीज को समझते हैं और वो ऑनलाइन कंसल्टेशन जरूर देते हैं, तो आप भी हिचके नहीं, एक बार उनसे जरूर जानकारी लें। अगर हमारे लिए कोई आप पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप इनबॉक्स पे हमें भेजें तो हम आपको जरूर बताएंगे। सर हमसे एक और है जो कि पानीपत से, नाम नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी अभी बाईपास सर्जरी हुई है और उनको अगर कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा कि सर अगर पीटीसीए भी अगर किसी का हुआ है तो भी क्या करना चाहिए, तो आप हमें बताएं सर। जरूर, अगर उनकी बाईपास सर्जरी अभी हुई है तो कोरोना हो जाए तो बिल्कुल मत घबराइए, आपको भी सेम प्रिकॉशंस देने जो कि नॉर्मल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को लेने होते हैं। स्टीम जरूर लीजिए और बीटाडीन माउथवॉश जरूर करिए, और अगर फीवर है तो डोलो या क्रोसिन ले लीजिए और हर 6-6 घंटे या 8-8 घंटे पे। एंड आइसोलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए ताकि आप और लोगों को मत स्प्रेड करें, और अगर सैचुरेशन जरूर मॉनिटर करिए हर 6-6, 8-8 घंटे पे, और कभी भी ऐसा लगता है कि 93 या 92 के नीचे जा रही है तो फिर आप जरूर कंसल्ट करिए डॉक्टर को, अदरवाइज उससे पहले पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड आप हो सकता है 90% पेशेंट्स तो माइल्ड डिजीज होकर ही निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर क्या जो जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है स्पेसिफिकली, तो सर जिस तरह आप, मैंने आपसे आज मॉर्निंग में जब बात कर रहा था तो आपने मुझे बताया था कि उल्टा लेटना चाहिए, तो सर जो बाईपास पेशेंट हैं सर, क्या 1 महीने पुराने अगर हुई हो तो अगर वो उल्टा लेटते हैं तो उनके क्या छाती पर कुछ ऐसा दबाव या कोई प्रिकॉशन या उनके लिए कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? हाँ, जो रिसेंटली जिनकी हुई है 1 महीना या 1.5 महीना हुआ है, उनको यूजुअली अभी चेस्ट बोन वापस पूरी ज्वाइन नहीं होती है, तो उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अलोम विलोम ये ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उल्टा लेटने में चेस्ट बोन पे ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा, और हल्का सा टर्न एवरी 1/2 आवर फॉर 5 मिनट्स वो ले सकते हैं। यानी सर आधी करवट? आधी करवट, ओके। जिससे कि पूरा प्रोन होने अभी अवॉइड करें, जिनको 3 महीने हो गए वो आराम से पूरी करवट लेके और वो प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेट के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उससे 1-2% ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ओ सर, तो सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे उन व्यूअर्स के लिए भी जिनकी अभी बाईपास सर्जरी हुई है और अगर उनको उल्टा लेटना है तो वो कितने महीने बाद लेटना है, वो डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 महीने जरूर आप उसके लिए रुके, और जिनकी अभी हुई है तो उन्हें आधी करवट लेकर लेटना चाहिए, उन्हें अपनी पूरी करवट नहीं लेनी चाहिए। प्लस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपके ऑक्सीजन के लेवल और जो एल्वोलाई है और पूरे लंग्स रिक्रूट होंगे तो उससे ऑक्सीजनेशन भी बढ़ जाएगी। ओके, और सर ये बाद में फिर क्या धीरे धीरे अपना रूटीन हो जा नॉर्मल हो जाती है क्या? नहीं बिल्कुल, 90% पेशेंट्स में तो माइल्ड डिजीज होती है तो नेचर ही रिकवर करती है उसको, अगर आप अपना रूटीन योगा एक्सरसाइज स्टीम इनहेलेशन और गरारे करते रहेंगे तो ये नॉर्मल कोल्ड की तरह ही पास ऑफ हो जाती है। और तो व्यूअर्स बिल्कुल नहीं घबराना है आपने, ये 90% पेशेंट्स को उनकी इम्यूनिटी से ही हम इसको हरा देते हैं, और इसलिए घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें, डॉक्टर साहब यही हमें बता रहे हैं। कई पेशेंट्स का हमारे पास फोन भी आ रहा है कि हम हार्ट की दवाइयां खा रहे हैं, इकोस्प्रिन खा रहे हैं, डिप्लेट खा रहे हैं, हम वैक्सीनेशन करवाएं कि ना करवाएं? बिल्कुल सर, ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है हमारे इसमें सर, ये पूछ रहे हैं हमसे, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स को दूसरा अपनी पुरानी दवाइयां, कोई भी मेडिकेशन बंद करने की जरूरत नहीं है, ना इकोस्प्रिन बंद करने की जरूरत है और ना ही आपको डिप्लेट बंद करने की जरूरत है, किसी को स्टेंटिंग भी हो रखी हो वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। एंड जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं कि फर्स्ट
वैक्सीनेशन के 6 to 8 weeks बाद सेकेंड डोज लगवानी है और कोवैक्सीन में 28 days के बाद लगवानी है। तो सेम प्रोटोकॉल हार्ट पेशेंट्स के लिए भी रहेगा। एंड दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा, जो वेल्व पेशेंट्स हैं वो एसीट्रॉम खा रहे होते हैं तो वो अपना पीटीआईएनआर जरूर कराएं। अगर उनका पीटीआईएनआर विद इन रेंज है 2 या 2.5 के आसपास तो बेझिझक होके वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। एंड जिनका हाई है वो जरूर अपना पीटीआईएनआर कम होने का वेट करें, तब वो वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि उसमें हेमाटोमा बनने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज और कोई रिस्क नहीं है। तो व्यूअर्स, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हार्ट पेशेंट्स भी हैं, आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने दो कंडीशंस जरूर बताई हैं उसके अंदर, कि अगर आपका वैल्व रिप्लेस है तो आपने आईएनआर सर कराना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये रेंज में है तो बिल्कुल बेझिझक होके लगाएं, अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी कंसल्टेशन के बाद ही लगवाएं। दूसरा मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि कई हार्ट पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं कि हमारे डॉक्टर जो कोविड के पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना हो गया हार्ट सर्जरी के बाद, तो वो स्टेरॉयड खाएं कि ना खाएं, कब शुरू करें। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 93 के ऊपर है तो आप स्टेरॉयड्स बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी डायबिटीज़ में प्लस और बाकी चीज़ों में वो अफेक्ट करेगा। ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर तभी आप अपना स्टेरॉइड शुरू करें। स्टेरॉइड सर, हमसे इसी से ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मिस्टर नरेश कह रहे हैं कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और 6 दिन से कोरोना है और मेरा बीपी लो आ रहा है, तो सर मुझे क्या अपनी बीपी की दवाई खानी चाहिए ऐसे रूटीन, या उसे अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, अभी तो जैसे आप कह रहे हैं कि बीपी लो आ रहा है, तो नवीन जी अभी बीपी की दवाइयां मत लीजिए, अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए और गरम सूप लीजिए, लिक्विड्स खूब लीजिए। अभी तो ये बॉडी का रिएक्शन होता है किसी भी फीवर में या बीमारी में, बीपी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसके लिए अगर बीपी लो है तो बीपी की दवाइयां मत लीजिए अभी। बाकी सारी दवाइयां कंटिन्यू रहेंगी, जो खून पतला करने की दवाई है, स्टैटिन है, वो सब कंटिन्यू रहेगी। सर मिसेस नीलिमा है सर, वो कह रही है कि उनके हस्बैंड की बाईपास सर्जरी 6 महीने पहले हुई थी और उन्हें कोरोना हो गया है और अब उन्हें कह रहे हैं कि आपने लिक्विड भी लेना है काफी, तो इसमें क्या करना चाहिए? सर लोग आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। इसमें बस यही ध्यान रखना, अगर उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन पंपिंग हार्ट की कमजोर है 30% या उससे कम है, तब तो आपको लिक्विड्स का परहेज रखना है। अगर हार्ट की पंपिंग 30% या 35 से ज्यादा है, नॉर्मल है, 50% है, फिर आपको कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल फ्लूइड्स ले सकते हैं, बल्कि ज्यादा ले सकते हैं। सिर्फ उन पेशेंट्स को रिस्ट्रिक्शन लेना है जिनकी हार्ट की पंपिंग 30% या उससे कम है, तो उनमें आपको फ्लूइड बैलेंस करना पड़ेगा कि हार्ट में ओवरलोड भी ना हो और आपको डिहाइड्रेशन भी ना हो। सर हमें कोरोना के टाइम पे सर फ्लूइड इनटेक ज्यादा लेने के लिए क्यों बोला जाता है सर? अच्छा, उसमें एक्चुअली कोरोना भी फीवर करता है और फीवर में हमारा फ्लूइड लॉस बढ़ जाता है, प्लस फीवर करके आर्टरीज डायलेट होती हैं तो हमारा फ्लूइड रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, तो इस करके हमारे को बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए फ्लूइड इनटेक जरूरी है। सर बहुत अच्छी ये आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर का तापमान भी शायद सर बड़ा होता है जिसमें कि फ्लूइड लॉस काफी होता है, और अगर इंजन में अगर ताकत नहीं होगी तो चलेगा कैसे? तो शरीर का ये इंजन जो है हार्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें शरीर के इस हार्ट को रोल प्ले करने के लिए उसको भी पानी की मात्रा चाहिए। एब्सोल्युटली सर, हमारे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी दोबारा से ही वैक्सीनेशन का क्वेश्चन हमारे पास आया है सर। मुझे वो पूछ रहे हैं कि मुझे हार्ट की दवाई कोई बंद करनी चाहिए वैक्सीनेशन लेने से पहले, जो आपने जवाब दिया भी है, मैं चाहूंगा फिर भी बताएं सर, और अगर बंद करनी चाहिए तो कितने टाइम बाद शुरू करनी चाहिए? अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर वैक्सीनेशन कराना है किसी भी हार्ट पेशेंट को तो कोई भी दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत फोन आ रहे हैं कि इकोस्प्रिन बंद कर दें, क्योंकि हाँ सर
तो इकोस्प्रिन भी बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप बेझिझक होके अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल पे कराइए और अपनी हार्ट की दवाई टाइम से लेते रहिए। सर हमसे पूछ रहे हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं विशेषकर बताया है, और सर बहुत ही गंभीर क्वेश्चन मुझे लगा कि सर इन्हें बोला गया है कि मुझे बाईपास सर्जरी के लिए बोला गया है और मुझे 2 महीने पहले कोरोना था। अच्छा जब तक मैं सोच रहा था कि कराऊं, और अब कोरोना बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन मुझे कोरोना हो चुका है, तो सर आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं? इनके एक्चुअली एक तो एंजियोग्राफी में कितनी ब्लॉकेजेस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनको सिम्टम्स कितने आ रहे हैं। अगर तो ट्रिपल वेसल डिजीज है और सिम्टम्स नहीं है और दवाइयों पे स्टेबल हैं, तो आई वुड एडवाइज कि वो अभी कोरोना टाइम्स में वेट करें और अपनी दवाई रेगुलर लेते रहें और अपने कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट सर्जन से टच में रहें। जब ये कोरोना की पीक कम होएगी तो उसके बाद ही सर्जरी या स्टेंटिंग जो भी कराना है वो कराएं, क्योंकि अगर कोरोना में पोस्ट ऑप पीरियड में कोरोना हो गया तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 50% मोर्टेलिटी है। तो आई वुड एडवाइज कि अगर पेशेंट स्टेबल है, दवाइयों पे मेंटेन कर सकते हैं, तो अभी सर्जरीज वगैरह अवॉइड करें। ओके बिल्कुल सर, यानी इस दौरान जब तक बहुत गंभीर आपको जरूरत ना हो जाए तब तक सर्जरी हाँ, को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी अगर हम कर भी देंगे तो कोरोना से जो मोर्टेलिटी है उसके जो है उसमें काफी खतरनाक है। वो बिल्कुल आप बिल्कुल एक गंभीर समस्या से बचने के लिए दूसरी गंभीर समस्या को उसको आप आमंत्रित कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करें। आपके डॉक्टर भी यही सलाह देंगे और हमारी तरफ से भी यही सलाह है। अगर फिर भी आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमें हमारे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। जरूर हम डॉक्टर साहब से आपकी ये कंसल्टेशन कराएंगे। सर हमसे कुछ पेशेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको कोरोना हो चुका है लेकिन खांसी बहुत है, सर ये क्या कोई कोरोना, विशेष? हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक तो आप अगर कोरोना से रिकवर कर चुके हैं और खांसी है तो आप अपना एक HRCT जरूर करवाइए। उसमें हमें देखना है कि कोरोना से रेजिडुअल डैमेज कितना हुआ है, उसमें आपका बाकी लंग फंक्शंस कैसे हैं। तो उसके इन्फ्लेमेशन के लिए कई लोग तो लो डोज स्टेरॉयड भी देते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन हो जाए। एंड आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अलोम विलोम, स्टीम इनहेलेशन और ये जरूर करते रहिए, तो उनसे आपकी खांसी धीरे धीरे चली जाएगी। तो कई सर लोगों इसमें को, कोई हाँ कई लोगों को कोरोना खत्म होने के 15 दिन तक भी खांसी रह रही है, कईयों का हार्ट बीट तेज रह रहा है, टैकीकार्डिया अच्छा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो कोरोना के ही रिकवरी के आफ्टर फेजेस, आफ्टर इफेक्ट्स है, तो वो धीरे 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 करके चले जाएंगे। कईयों को एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 to 4 weeks में सेटल हो जाते। ओके। तो ये तो एटलीस्ट सर ये आपने जो हमें पॉजिटिविटी दी है कि आप अपनी दवाई को का पालन करें, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आइसोलेशन का पालन करें। ये समस्याएं जो आपको आई हैं कोरोना के टाइम पर, जैसा खांसी है या और भी कुछ है, इसमें इनको समय लगता है, अपनी दवाई लें, और जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि योगा भी करें, अलोम विलोम जैसी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो इसमें एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल सर ये पेशेंट हैं, ये कह रहे हैं कि उनका वैल्व रिप्लेस हुआ है और 8 महीने हो चुके हैं, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूं? तो सर मेरे ख्याल ये वही है कि आपने बताया कि INR कराना चाहिए, तो सर बिल्कुल आप ही के बिल्कुल शब्दों में मैं दोबारा इनको बताना चाहूंगा सर। जरूर कि इनका अपना PT INR जरूर करवाइए। अगर वो नॉर्मल रेंज में है, 2 से 3 के बीच में, तो आप बेझिझक होके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और अगर वो काफ़ी हाई है तो फिर एक बार PT INR जो प्रिस्क्राइब रेंज है उसमें आ जाए, उसके बाद करवा सकते हैं। सर कोरोना के टाइम पर सर हार्ट पेशेंट के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट आप प्रिस्क्राइब करेंगे, उनको क्या लेनी चाहिए इस समय? हार्ट पेशेंट्स के लिए भी सेम डाइट जो नॉर्मल पेशेंट्स, नॉर्मल पर्सन लेते हैं,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खूब लें, सैलेड्स खूब लें, फ्रूट्स खूब लें, अपना योगा या वॉक कंटिन्यू रखिए, चाहे तो घर के अंदर ही करिए, कोई रेगुलर एक्सरसाइजेज एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स डेली करें, और डाइट में नट्स और पीनट्स ये सारी चीजें जरूर लें, एंड मोर ओवर कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स व्हेनेवर यू गो आउट, वियर योर मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट। और साथ में सर ये लॉकडाउन आ गया है ना, तो सर हमारे कई हार्ट पेशेंट्स को अब शायद क्रेविंग होती है पकोड़े खाना या तली हुई चीजें खाना, तो मेरे ख्याल सर वो यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या डाइट में क्या कुछ ऐसी चीजें भी करें, पिज्जा, तो आई थिंक सर इस पे आप मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि वंस अ वीक यू कैन टेक व्हाटएवर यू लाइक, बट द क्वांटिटी शुड बी मिनिमम मिनिमम, क्योंकि सर आजकल कैलोरीज बर्न भी नहीं कर पा रहे, हम ऑफिस नहीं जा रहे तो कैलोरीज बर्न भी नहीं हो रही है, आप घर में रह रहे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान रखें डाइट का। सर ने बताया है कि अपनी ग्रीन लीफ और फ्रूट्स को अपनी डाइट में लेकर आए, जिससे कि आपके इसमें जल्दी उसको पचा सकें, और डाइट हम नहीं जा पा रहे कहीं, तो कैलोरीज भी जो है कम ही कंज्यूम हो रही है, तो इसलिए कम कैलोरीज लें, प्लस एक्सरसाइज योगा वो तो कहीं भी आप बैठ के कर सकते हैं, एक मैट लगा के उस पे आप स्टैंडिंग में जॉगिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो सिटिंग में योगा कर सकते हैं, एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करिए, उससे आफ्टर एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हार्मोन्स और कई ऐसे पदार्थ रिलीज होते हैं बॉडी में, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। ओके सर, हिमाचल से एक पेशेंट है क्या, वो बोल रहे हैं कि उनको पता चला है कि कोरोना से हार्ट अटैक आ सकता है, सर ये क्या कितनी सच्चाई है इसमें? तो सर ये फैक्ट्स की बातें हो गई अब तो सर ये। नहीं, एक्चुअली कोरोना कॉजेस इन्फ्लेमेशन इन द आर्टरीज एज वेल, तो छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं उसमें, तो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है कार्डियोमायोपैथी से, हार्ट ब्लॉक से, और हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस देखे गए हैं, लेकिन वो हजारों में एक आध दो केस होते हैं। कईयों को पैर की आर्टरीज में क्लॉट हो जाता है, कईयों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं कोविड के बाद या कोविड से रिकवर होते टाइम, एंड तो इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ब्लड थिनर्स और एंटीकोगुलेंट्स वो देंगे जिससे कि ये डिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको छाती में घबराहट लगती है कोरोना से रिकवरी के टाइम, या चेस्ट हैवीनेस लगती है, तो एक बार ईसीजी जरूर कराएं, क्योंकि वो बेसिक है, उसमें आपका कोई भी चेंज होगा या वो पकड़ में आ जाएगा। तो सर देयर इज एनी सर सम डिफरेंस ऑफ द ब्रेथलेसनेस ऑफ द ड्यू टू कोरोना और ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, कैन वी सर देयर फाइंड आउट सम बेसिक लाइन बिटवीन द ब्रेथलेसनेस बिकॉज ऑफ द कोरोना और बिकॉज ऑफ द कार्डियक प्रॉब्लम? कोरोना यूजुअली अफेक्ट्स द लंग्स, इट कॉजेज न्यूमोनाइटिस पैचेस, उसी की वजह से आपको चेस्ट में टाइटनेस, सांस लेने में डिफिकल्टी, और आपका सांस लेने की गति बढ़ जाती है, जिसे टैकेपनिया बोलते हैं, तो इसलिए, और प्लस अगर आपको हार्ट के सिम्टम्स होंगे तो आपको चेस्ट पेन होगा, डीप ब्रीदिंग से वो चेस्ट पेन नहीं होगा अगर आपको हार्ट के सिम्टम्स हैं, वो लंग्स के सिम्टम में डीप ब्रीदिंग से आपको चेस्ट पेन होगा हाँ डीप ब्रीदिंग में। प्लस दूसरा आप ऑक्सीजन मेजर करिए, अगर आपका सेचुरेशन ठीक है और उसके बाद भी आपको पेन हो रहा है तो आप हार्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं। थर्ड आप चेक कर सकते हैं कि आप कोई जैसे हार्ट पेशेंट है तो उनको सॉर्बिटेट की गोली हर एक के पास रहती है, आप जीभ के नीचे बैठ के या लेट के सॉर्बिटेट की गोली लीजिए, अगर उससे आपका चेस्ट पेन गायब हो जाता है तो फिर हार्ट का चेकअप जरूर कराइए। सर आज आपने हमें बहुत अच्छी ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन दी हैं जो कि हृदय रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, और आपने अपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला है। वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स, इफ यू वांट टू सी डॉक्टर राकेश चुग, यू वांट टू कंसल्ट,
Nowadays, due to the pandemic, the OPDs are suspended, but you can certainly come and see him once the OPDs reopens at Shri Balaji Action Medical Institute in the Cardiothoracic and Vascular Department. And so I request you to, sir, please always guide us and do train us in the other cardiac problems. People are asking to us about the varicose veins. So we request, ki, sir, hamein next time varicose veins ke baare mein jarur bataye. And thank you for being with us, sir. Sure. I would like to give a message. Don't worry. COVID will pass off. Be positive. Stay positive. Eat healthy. Do some exercise. And we will pass it off together. And corona se darna nahi hai, usse ladna hai. Bilkul sir, hum aapke saath sir ise jeetenge aur jarur jeetenge. Aur apni aur aap sab se yehi nivedan hai ki basic precautions are the golden rule. Bilkul. Koi complex cheeze nahi hai. Ye virus itna arrogant hai कि जब तक आप इसके पास खुद नहीं जाएंगे ना ये आपके पास नहीं आएगा व्यूअर्स तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी थैंक यू सर थैंक यू